प्यारे बहनों भाइयों, प्रभु यीशु के पवित्र मीठे सामर्थी नाम से आप सबको जय मसीह की। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रेज द लॉर्ड टू ऑल इन द होली नेम ऑफ जीसस। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे कि कैसे एक इंसान हजार मनुष्यों से भी बढ़कर हो सकता है। टुडे वी लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड दैट हाउ अ वन मैन कैन बी ग्रेटर देन अ थाउजेंड मैन। प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि प्रभु की हजूरी में गुजारा एक दिन हजार दिनों से बढ़कर है। इट्स रिटन फॉर अ डे इन योर कोर्ट इज बेटर देन अ थाउजेंड। अगर एक दिन हजार दिनों से बढ़कर हो सकता है जो परमेश्वर की हजूरी में गुजारा जाता है, तो एक इंसान जो परमेश्वर की हजूरी में अच्छे से चलता है वो भी हजार लोगों से अच्छा ठहरेगा। इफ वन डे स्पेंट इन द गॉड्स कोर्ट इज ग्रेटर देन अदर डेज देन अ वन मैन इज मोर प्रीशियस देन अदर थाउजेंड। यहां हम देखते हैं कि समसोन ने बिना तलवार के, बंदूक के और कोई हथियार से, एक गधे के जबड़े की हड्डी से अपने हजार दुश्मनों को खत्म कर दिया। From here we see that the Samson who got a jawbone of the donkey with the grace of God, he killed a thousand men with that jawbone. क्योंकि समसोन के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था और वो परमेश्वर की हजूरी में चलता था। Because Samson have anointing of God on him and he walk with God. इसलिए जो दुष्ट लोग थे वो हजार बेशक थे, लेकिन प्रभु के एक ही दास के सामने वो हार गए। That's why those thousand men were killed by the one man who was under the God. तो जो लोग हजार इंसानों से बढ़कर पावरफुल होना चाहते हैं उनको प्रभु की हजूरी में रहना जरूरी है। So those who want to become a powerful than a thousand men, he have to remain in the grace of God. ये परमेश्वर का वायदा है हम सब के साथ कि परमेश्वर की सामर्थ जब हम पर होगी तो हम जो मांगते या सोचते हैं उससे बहुत गुना बढ़कर हम परमेश्वर की आशीष पा सकते हैं। From here we get that when a power of God, a grace of God is upon us, we can get anything that we ask from God. इस समय आपके हालात चाहे कैसे भी हों, At this time, doesn't matter what are your sufferings. आप बिल्कुल डाउन हो सकते हैं, जीरो के समान हो सकते हैं। It would be possible that you are zero. हमारा यीशु मसीह इतना महान है कि वो जीरो को हीरो बनाने की सामर्थ रखता है। Our Lord is very great that he can make a zero to a hero. इसलिए हम सबको परमेश्वर की हजूरी में रहना और परमेश्वर के प्रेम में रहना और उसके वचनों में रहना जरूरी है। That's why it's important to remain in the words of God and in the grace of God. तो प्रभु यीशु यह कहते हैं कि यदि आप मुझ में और मेरे वचन उपदेश आपके जीवन में रहेंगे तो जो भी चाहो मांगो वो सब आपके लिए पूरा हो जाएगा। So it's written that if you live in me, my words are in you, whatever you ask from me, you will be given. क्योंकि जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ रहेगी तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। Because when a grace of God is with us, nothing is impossible. पहला करिन्थियों 2:9 में भी यही लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वो होगा जो उन्होंने सुना नहीं या मन में भी नहीं आया, अद्भुत काम उनके लिए प्रभु ने रखे हुए हैं। From Corinthians we also get to read that whatever we have not listened or whatever we have not thought, those things are kept for us by God.
जो प्रभु समसून को हजार दुश्मनों से बढ़कर सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, वो आपको भी वैसे ही ब्लेस कर सकता है। That God who was able to give a blessing to Samson, he is able to bless you all. क्योंकि परमेश्वर के घर में पक्षपात नहीं होता। Because there is no inequality in God's house. जो हमारे लिए अपनी जान दे सकता है, वो और क्या कुछ नहीं कर सकता? Who can give his life to us? What he cannot do for us? हमारा प्रभु सामर्थी परमेश्वर है। Our Lord is powerful Lord. और वो चाहता है कि उसके लोग भी पावरफुल बने। And he want that his people become a powerful. प्रभु की सामर्थ उन लोगों के ऊपर आ जाती है जो उससे प्रेम करते हैं। Grace of Lord come upon those who love him. पर जब समसून प्रभु से दूर हो गया, तो वो उसकी सामर्थ भी उससे दूर हो गई। But when Samson get aloof from God, the grace of God get away from him. आज जो लोग प्रभु से दूर है, उनको प्रभु चाहता है नजदीक आ जाएं, तो वो सामर्थी लोग बन जाएंगे। Today those who are away from God, God wants them to be near to him so that they may become a blessed person. अगर आप प्रभु के साथ प्रेम करने के लिए, उसकी हजूरी में रहने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु आपको सामर्थ देने के लिए भी तैयार है। If you are ready to remain in the words of God, God is ready to give you blessings. आप अभी इसी वक्त प्रभु के लिए दिल को खोल सकते हैं और प्रभु आसमान खोलकर आपको ब्लेस करेगा। Right now you can open your hearts for the God. He will bless you all by opening the heaven. प्रभु इन वचनों से आपको बहुत आशीष दे और आप हजार लोगों से बढ़कर हो जाएं, ये हमारी प्रार्थना है। May Lord bless you all and may you become less than a thousand. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। May God bless you all. आमीन।